यता आँगी करिश्मा कामा यता नहीं लगता है बाहर देश में काम करने के लिए, बट क्या करे, मजबूरी है, करना तो पड़े। और ये देखो इसका हालत, चेक करो, ये चेक करो भाई, और क्या चाहिए हम लोगों को। ये है मेरा नया गाड़ी, एक गुड़िया ना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मोटर व्लॉग अगेन। सभी हम जा रहे हैं खाना छोड़ने के लिए, और ये देखो मेरा घर छोटा सा पुराना हो चुका है, जो भी है मेरा महल है। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जंगल, जो कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे खाना बना रहे हैं। और ये रहा मेरा बहन, आ रहा है, हाई बन दे तो बहनी, हाई बन दे ना। और इसने बहुत सारा फ्लावर रखा हुआ है यहाँ पे, और इसका रिपेयरिंग चलेगा, और यहाँ पे बाद में बनाना है हम लोगों को। तो चलो अभी जा रहा है मोटर व्लॉग करने के लिए, मैं निकल रहा हूँ एक्चुअली। ये कहाँ पर हो चाबी? ये हमारा भैया का घर। और ये है मेरा नया गाड़ी। हमारा लोरुंग्स दादा ने नया गाड़ी लिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ही अच्छा कलर है, वाइट में ह्युंडई का, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा। हाँ ल्याउनु पर्छ बिस्तारी, दही बोले साथ दियो भने। गाडी देखाइदिएको ल, गाडी देखाइदिएको भिडियोमा हालिदिएको, हाम्रो लोरुङ छ नि त अन्त, अब सबभन्दा पहिलाको स्टार्टिङ। चलो अच्छा काम क्या है, जो कि हामीलाई कास्ट लोरुङ छ, होइन त लोरुङमै किसीका गाडी नै त, फोर व्हिलर त भैया नै ल्याए, द्याट्स ए ग्रेट थिङ। अरू घर भी बहुत मस्त बनायो हाम्रो भैया ने, चलो ल्याइदिन्छु ल। चलो और गाड़ी मैंने यहाँ पे रखा है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अगड़ी रखो ना। ऑलराइट गाइस, सो लास्ट ब्लॉग मैंने किया था नीचे से, नीचे वाले रास्ते से। ये जो है ऊपर वाला रास्ता है, हमारा दोनों तरफ रास्ता है, और बीच में हमारा गांव है, जगह है एक्चुअली। और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है गाइस, चेक करना, ठीक है? तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा, बहुत खूबसूरत रास्ता है, व्यू बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं मोटो व्लॉग। अभी मैं कल जा रहा हूँ ना, अभी सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं फटाफट जो भी है हमारा गांव का मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। दो रास्ता है हमारा, एक ये है ऊपर से, और दोनों तरफ यहाँ से नीचे से, दोनों तरफ से हम लोग मेन रोड निकल सकता है, ओके। और ये देख सकते पूरे तरह, पूरी तरह चाय का बगान है। के गरेको नानी बाबुहरू, लु बाई बाई, कृति ठिकै छस्? ठिकै छस्? ठुलो हुने ल, ल बाई गएको ल, त दोनों रास्ता है। चलो ये देख्यो, बाफ्रे ग्रिन बडी घुम्दा अहिले आउँ है। चलो वाव, ये है मेरा बड़ा का, बड़े पापा का घर, रिक जेन, ठीक है सर? ल हिजो गए ल, ओके वाओ। मुझे ना भाई इस दिनों का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मुझे मोटर व्लॉग करना था। खाना लेके जा रहे, काम करने जो भी है जंगल में, काट कटाई जा रहा है हमारा घर के लिए, घर रिपेयरिंग चल रहा है। और ये देखो भाई रास्ता, ओ माय गॉड, क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई, मेरे को इधर ही शिफ्ट होना है, इधर ही सेटल होना है। मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर देश में काम करने के लिए, बट क्या करे, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, एक दिन तो इधर ही आना है, इधर ही काम करना है, इधर ही मरना है। बहुत ज़्यादा बचपना था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अतीत है हमारा, ये ना मेमोरीज बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, ये जगह में। और ये है हमारा कोठी, जहाँ पे ये टी गार्डन का मैनेजर रहता है। और ये देखा वाह, और वहाँ पे भी एक गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है, जो कि हम लोग चिनियाटर बोलते हैं, पल्लो गाँव भी बोलते हैं। वहाँ पर ग्राउंड हुआ करता था, उन लोग का गाँव नीचे था, बट लैंडस्लाइड की डर से ना पूरा गाँव ही इधर शिफ्ट हो गया है, वो मेरे को मालूम है। बहुत हम लोग उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे, यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल खेला करते थे। उधर से आया तो रास्ता है नज़दीक, बट बहुत छोटा रास्ता है, गाड़ी भी चलता है, स्कूटी तो जाता है, बट थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा ये देखो ये नीचे पूरा मेरा जंगल है। त्यही त एउटा फोन भन्नुपर्छ, कता कुन साइडमा छ हो, फोन गर्न अरे सोध्नुपर्छ।
चलो ये भाई का दुकान अभी बंद किया हुआ है, और ये रहा हमारा जहाँ पे चाय पत्ती वेट किया जाता है, और यहाँ से घेर लिए नीचे जाता है। यहाँ ताला रहे अभी कता बड़ा जानो ए। चलो यहाँ से एक रास्ता था, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग, और नीचे से आ रही देखो भाई खूबसूरती। ओ भाई यार क्या दिख रहा है भाई नीचे जगह, चेक करो, ये चेक करो भाई, और क्या चाहिए हम लोगों को, ये चेक करो, बाप रे, हाँ अच्छे से चेक करो भाई। चलो यहाँ से बाड़ी है रहे, यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो हिँडेर जानुपर्छ, यहाँबाट ओह्रालो यहाँ ढोक्नुपर्छ आँगीहरूलाई, आँगीहरूलाई ढोक्नुपर्छ यहाँ, औ औ यहाँ आँगी आँगीहरूलाई ढोक न अब यहाँ यहाँ आँगी प्रतीकको आमा, यता आँगी करिश्माको आमा, यता काकी हाम्रो हजुर हिजो आएका आँगी खाना पुऱ्याउन आएको, यहाँ काम गर्दैछ कि काठ कटाएको घरको लागि हो, यसो अब घर होइन रिपेयरिङ गर्ने भनेर अलिअलि बिस्तारै अर्को त्यो अलिकति रिपेयरिङ गरेर गरौँ भने गरिराखौँ भनेर अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ यताबाट हुन्छ आइ गयो ल आइ तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। जान सक्छौ तिमी बाटो छ हौ राम्रो आऊ न हुन्छ औ खै लौ यो म बोक्दिन्छु हिलो ल्याऊ न आरामसे चलो हजुर खाजा चलो नीचे सुन रहा होगा हमारा कार्ड यही देखो एक ल हातमै बोक औ रास्ता देखो भाई हमारा जंगल है ना यहाँ पे फॉरेस्ट है हमारा आँगी हाँ अब जानै पर्यो के गर्नु हिँड्छ नि अब हिँड्नु पर्यो ट्रेनिङ ट्रेनिङ गराउनु पर्यो नि अब उसलाई पक्रेर नि म त हिँडिदिइहाल्छु नि यति आफै नपक्रि न त यिनीको म्याडमजी औ मेरा गोप्रो का बैटरी खत्म हो चुका है गाइस, और ये देखो हम लोग हेलमेट भी पहन के आए हैं, मैडम जी देखो ये पूरा हमारा जंगल हुआ है एक्चुअली हुआ करता था नहीं ये, और ये देखो इसका हालत यहाँ पे हम लोग अपना ही काट कट कर रहे हैं, ठीक है वुड कट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ उनके लिए खाना छोड़ने के लिए आ रहे थे हम लोग, आ जाओ चलो ये देखो रास्ता देखो भाई ले तो कतापट्टि काट्दैछौ बिस्तारी हो बेबी ल यहाँ मजाले पक्रेर है यहाँ तल जस्तो लाग्छ आई गेज ए ऊ कहाँनिर हो अझै तल बिस्तारी को आयो जो जो रहेछ नि त हौ हेलो के हो बोकाइ हुँदैछ यसलाई राख्नु त यो खाना हो यसमा यहाँ राखिदिनु होइन खाना लु अबी कता यहाँ आउने खानु नि मलाई अलिकति यहाँ अलिक फाँड खै लेसिकलमा पा फाँडिदिन्छु के
सिकल लुकाइदिनुहोस् त के गाउँ अहिलेको होस् त भोलि पर्सि आउँछु कि आउँदिन यहाँ पे पिकनिक चल रहा है वो लोग पिकनिक खेल रहा है ना अरे दिन जा रहे की दिन हो रही हाम्रो त यस्तै छ है लु गाउँ त दोजो लु लु त लु त एउटा नजरले सामने नजर लु तु धरती लु यहाँ पिकनिक सानो पिकनिक हुँदैछ यहाँ हो कस्तो रहेछ वाचिपा आमाले यो देखाउनु न हो यो जाडो यो यो हो नि त है देशी बियर हो एक गुडी हान्नु त खतरा छ है कस्तो रहेछ खराइ भइसक्यो अब मान्छेले काम गर्छ होला र हाम्रा सिंह भेना जो 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 भाइ बुढिया छ के छ त्यही त मजा आउँछ नि म त यहीँ बनाऊँ भन्छु हौ घर एउटा सानो कटेर हालौँ भन्दैछु पानी छैछ त्यही त सब्जीहरू उगिहाल्छ चल्छ होला होमस्टे होमस्टे चल्छ भने मान्छेले